देखिए ये चुनाव था और चुनाव के दौरान विजयी हुए थे। दुर्भाग्य की बात थी, उनका निधन हो गया और ये उपचुनाव हो रहा था, तो इस उपचुनाव में तो ये उपचुनाव उसके बाद हुआ है। और आप सब लोग हमसे पूछते थे तो हम तो हमेशा यही कहते रहे हैं कि जनता मालिक है, जो भी फैसला देगी। हम लोगों का तो कर्तव्य है सेवा करना और हमेशा हम कहते हैं लोगों की सेवा करना ही हमारा धर्म है। तो जब भी काम करने का मौका हम लोगों को बिहार के लोगों ने दिया है, हम सब लोगों ने उनकी सेवा की है। और इस बार का जो चुनाव हो रहा था, जनता दल यू और एनडीए के दोनों जगहों के उम्मीदवार विजयी हुए। सब लोगों का, जनता दल यू का, एनडीए के सभी दल के सब नेता, सब कार्यकर्ता, सब लोगों ने पूरे तौर पर लोगों के बीच में संपर्क किया, काम किया और लोगों के बीच में सब लोग जाते रहे। विरोध में जो लोगों को भी करना था वो भी करते रहे, लेकिन हमको उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी कि कौन क्या कर रहे हैं विरोध का। हम लोग तो हमेशा यही कहते रहे कि जनता मालिक है, वो फैसला लेगी। तो बिहार के दोनों जगहों पर फिर से जनता ने जो फैसला लिया, ये सबके सामने है। यानी जो काम है हम लोगों का, उसके प्रति लोगों को संतोष है और भरोसा है, इस कारण लोगों ने फिर अपना मत दिया है। तो इसके लिए हम तो लोगों को बधाई देते हैं और जो भी हमारे उम्मीदवार जीते हैं उन सब लोगों को हम विशेष तौर पर बधाई, और सारे लोगों को मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं। और आज पार्टी के इस कार्यालय में आप देख रहे हैं कि सब जगह के लोग, मेरे पार्टी के साथी सब पहुंच गए। लोगों को मालूम था कि आज ये दोनों आएंगे और दोनों का स्वागत किया जाएगा, तो सब लोग आप देखें इतनी बड़ी संख्या में आए हैं और सब लोगों को खुशी है। और दरअसल बिहार के लोगों की खुशी है, सब लोगों की खुशी है। मैं सब लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूं और मैं तो यही आश्वस्त। यहां पर नीतीश कुमार जी भी उपस्थित हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा है आपने सुना? उनका मानना है कि कोई भी दो सीटों पर उपचुनाव जीत कर कोई अपनी सरकार नहीं बदल सकती है, वो बस विपक्षी दल के मनोभावना है इस तरह के कि वो जीत जाएंगे, उनका अपना सोच है। अब किस तरह की वो अपनी सोच रखते हैं उसमें वो कुछ बोल नहीं सकते हैं। उनका कहना है कि हम लोगों की जीत हुई है, बिहार में विकास की जीत हुई है और जनता हमारे साथ है। तो और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ PR के साथ। धन्यवाद।